नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आने वाले दिवाली छठ पर्व को लेकर आजमगढ़ में ट्रेन यात्रियों के साथ रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर एडीजी के निर्देश पर शनिवार को जीआरपी थाना पर पीस कमेटी की बैठक हुई। आजमगढ़ जीआरपी थाना के एसओ प्रमोद शुक्ला ने बताया कि नवरात्रि व विजयादशमी के पर्व को सकुशल संपन्न कराया गया है। अब आने वाले दीपावली और छठ पर्व को लेकर भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। थाना में लोगों के साथ उनसे सहयोग की अपील की गई है। एसओ ने बताया कि पूर्वांचल में छठ पर्व का बहुत भीड़ बाहर से आती है, इसलिए रेलवे पुलिस स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारियां कर रही है। आइए सुनते हैं मामले में जीआरपी थाना एसओ ने क्या जानकारी दी। हमारे एडीजी महोदय द्वारा हमारे सभी एसओ की मीटिंग की गई थी और उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। आगामी त्यौहार जो दुर्गा पूजा हमारा ख़त्म हुआ है, अभी दीपावली बाकी है, छठ बाकी है, ये दोनों त्यौहारों को दृष्टिगत स्कोर्ट और ट्रेनों के सुरक्षा के लिए और हमारे स्टेशन की सुरक्षा के लिए पीस कमेटी मीटिंग की जाती है, हर वर्ष किया जाता है। उसी क्रम में ये मीटिंग बुलाई गई थी और सब लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश अपने अधिकारियों के जो मिले थे उनको सर्व किया गया और सावधानी हेतु सबको आगाह किया गया कि आगे में त्यौहार को लेकर के किसी तरह की कोई आपत्तिजनक स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको लेके सब सावधान रहें। बाकी लोगों से सहयोग की अपेक्षा की गई है, अगर कोई जानकारी मिलती तो सहयोग करें। क्या दिवाली और छठ में आने वालों की संख्या ज़्यादा होती है? हमारा पूर्वांचल में छठ का त्यौहार ज़्यादा मनाया जाता है और छठ को ज़्यादा तवज्जा भी दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा लोग आते हैं। जो बाहर कमाने जाते हैं वो लोग अक्सर आते हैं इस त्यौहार में और दीपावली में भी आते हैं, तो इसलिए आने वालों की संख्या बढ़ती है और संख्या को दृष्टिगत ही ये सावधानी की जाती है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।